हेलो फ्रेंड, मैं दीपक उपाध्याय स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। तो फ्रेंड, आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं MRPL शेयर का टेक्निकल एनालिसिस। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं MRPL के स्टॉक में अच्छी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली और इतनी बढ़िया तेजी के बाद स्टॉक में फिर से हमें गिरावट देखने को मिल रही है और अभी स्टॉक वर्क कर रहा है 82 रुपीज़ 55 पैसे पे। तो आगे हमें यहाँ पर क्या डिसीजन लेना चाहिए इस पर हम करने वाले हैं चर्चा। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देखिएगा ये जो गिरावट है क्या ये कंटिन्यू हो सकती है। तो पर यहाँ पर देखिए जो चार्ट आपके सामने प्रेजेंट किया है कौन सा चार्ट है, डे चार्ट। और इस चार्ट पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस जोन को आप ध्यान से देखिए 75 रुपये से लेकर के 70 रुपये का जोन। इस जोन में हमने क्या देखा था, कंसोलिडेशन देखा था। इस जोन में यहाँ कंसोलिडेशन था और यहाँ पर प्राइस फंसा हुआ था। मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा, कई सारे बायर्स भी होंगे, कई सारे सेलर्स भी होंगे, जो कि यहाँ से जब नीचे स्टॉक गया तो कहाँ तक की गिरावट पर गए, लगभग लगभग 50 रुपये तक की, ये देखिएगा। और इसके बाद हमने एक जिगजैग जोन देखा जहाँ पर स्टॉक ऊपर जाता है लगभग 60 रुपये तक, फिर गिरावट करता है और फिर से आपको स्टॉक ऊपर की तरफ यहाँ पर जाता हुआ दिखाई देता है और एक बार फिर होती है यहाँ पर गिरावट। और लगभग लगभग हम देखते हैं 50 रुपये तक गिरने के बाद फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। कहाँ तक की तेज़ी दिखती है, लगभग 60 रुपये तक की। और फाइनली इस गिरावट के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, ये देखिए। और यहाँ पर ब्रेकआउट करते हुए कई सारे जो बायर थे जिन्होंने यहाँ पर बाइंग किया होगा वो बायर सब यहाँ पर एग्जिट करने लगे थे। यहाँ पे आप देखिए इस जगह पे आपको फिर से कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए 65 के आसपास। मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट कई लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एग्जिट करने की कोशिश की। और जैसे ही यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो बाइंग जोन है इसके ऊपर स्टॉक गया, तो इस जोन में आप देखिएगा यहाँ पर जो कई सारे लोग जो फंसे थे यहाँ पर आप देखिए कितनी तेज़ी से फिर वापस बाइंग आई है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी थे कई सारे कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करे और यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। और जैसे स्टॉक ऊपर गया तो 75 रुपये के आसपास फिर से एक हल्का फुल्का कंसोलिडेशन हमें देखने को मिल जाता है, ये देखिएगा। और इस वाले कंसोलिडेशन में स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाता है और फाइनली 90 रुपये के भी ऊपर तक की हमें यहाँ पर तेजी देखने को मिलती है। यहाँ पर कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बुकिंग हुई। और यहाँ पर हम देखते हैं फिर स्टॉक जब नीचे की तरफ आया तो यहाँ पर फिर से हमने कंसोलिडेशन को देखा है और इस कंसोलिडेशन में स्टॉक फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। और अब हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है। तो फिर यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये वाला लेवल, यहाँ पर मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ तक 75 से 70 के बीच तक आपको स्टॉक एक बार फिर से गिरता हुआ दिखाई दे सकता है। तो रिकमेंड करूँगा यदि आप फ्रेश एंट्री की सोच रहे हैं तो अभी मत कीजिए। 70 रुपीज़ के आसपास स्टॉक दिखाई देता है, आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। 65 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो कि ये वाला जोन है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भी कंसोलिडेशन था, ये आपका रहेगा स्टॉप लॉस। और टारगेट आपका क्या रहने वाला है, लगभग लगभग क्या रहेगा, तो यहाँ पर 90 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर फिर से टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी आपको अवॉइड करना है बाइंग को, आपको बाइंग कहाँ करना है, तो आपको बाइंग करना है 70 रुपये के आसपास और आपका जो टारगेट है वो 90 रुपीज़ के आसपास का रहने वाला है। तो फ्रेंड, ये था हमारा टेक्निकल व्यू MRPL शेयर को लेकर के। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।